हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय, अक्षय एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक पावर बैंक बनाकर दिखाऊंगा, वो भी आसानी तरीके से दो मेथड्स के थ्रू। एंड आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक पावर बैंक का मॉड्यूल है, ये छोटा वाला, और आप देख सकते हो ये पर बड़ा है, थोड़ा उससे बड़ा है। एंड एक फीमेल कनेक्टर है यूएसबी। अगर आपके पास पावर बैंक बोर्ड नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए सिंपल तरीके से पावर बैंक का बोर्ड बनाकर दिखा दूँगा, वो भी आसानी तरीके से। तो मैं ये वाला बोर्ड ले लेता हूँ, इसको रख देता साइड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास बैटरीज है जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास अलग अलग प्रकार की बैटरी है। ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है, आप इसे भी पावर बैंक में यूज़ कर सकते हो। ये एक मोबाइल की बैटरी है, एक सेल है रिचार्जेबल। एंड मैं ये लेता हूँ, ये मेरे पास 5400 mAh पावर बैंक की बैटरी है। तो इनको मैंने पहले सीरीज में लगा लिया था, आप देख सकते हो। तो आज मैं आपको आसानी तरीके से पावर बैंक बना कर दिखा सकता हूँ, इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपली एक बोर्ड लूँगा, क्योंकि मैं पावर बैंक की बोर्ड ही नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं आसानी तरीके से पावर बैंक बनाता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों के पास सोल्डरिंग मशीन होती, कुछ भी नहीं होता किसी के पास, तो हम इस तरीके से आसानी से पावर बैंक बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पावर बैंक का मॉड्यूल लगा लेता हूँ। ये आपको ऑफलाइन मिल जाएगा 70 रुपये के आसपास, और ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, 150 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो मेरे पास सोल्डरिंग का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें आसानी से लिखा होता है प्लेट में कि आपका कौन सा वायर पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव है, तो इस पर मैं आप देख सकते हो बैटरी माइनस लिख रहा है, तो मेरा नेगेटिव है जहाँ पर मैं बैटरी कनेक्ट होगी। इसे आप टेप की मदद से भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कागज़ वाली टेप यूज़ कर रहा हूँ, जो वुड वाले यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेप है, मजबूत टेप है, आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने इस टेप लगाया वहाँ से बाहर अब हट नहीं सकता। ये आप देख सकते हो इसमें पावर आ चुकी है बिना सोल्डरिंग आयर के, आप इसे जोड़ सकते हो। अब मैं इसे रख देता हूँ साइड में। अब मैं वायर पर लगा देता हूँ टेप। एंड आप वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको दूसरा पावर बैंक भी दिखाऊंगा। इस सबको आप बिगर चार्ज करे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई बहुत सी जगह लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा पावर बैंक बन चुका है, अगर आप देख सकते हो। पहले तो मैं आपको मोबाइल को चार्ज करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, जहां पर हमको लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहां के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको पावर बैंक को बताऊँगा कि हम पावर बैंक को कैसे चार्ज करेंगे। आप देख सकते हो मोबाइल चार्ज हो रहा है बिना लाइट के, देख सकते हो आपके सामने ही। एंड वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप देख सकते हो इसमें लाइट भी ग्लो हो रही। ये मैंने पावर बैंक बनाया था, सोलर पावर बैंक, आप देख सकते हो सिंपल आसान तरीके से बना सकते हो 3500 रुपये के आसपास में बन जाएगा। और इस पावर बैंक से आप इस वाले पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह भाई लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप धूप में रखकर इस वाले पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं, और इसे मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। एंड रात को आप इस पावर बैंक को यूज़ में ले सकते हो बैटरी वाले को, जिससे आप मोबाइल चार्ज रहे। इस तरीके से आपको इस मोबाइल को इसमें लगाना है, और उस वाले पावर बैंक को आपको धूप में रख देना, इससे क्या होगा हमारा पावर बैंक ये वाला चार्ज होने लगेगा। एंड भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको इसको इसमें इंस्टॉल करना है तो इसमें आप इसको लगा सकते हो, इससे ये वाला पावर बैंक भी चार्ज होता रहेगा। एंड साइड वाले फीमेल कनेक्टर से आप दूसरा मोबाइल चार्ज कर सकते हो, इसको आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।